वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला योनो फाइनेंस ऐप के बारे में। योनो फाइनेंस ऐप की मदद से किस तरह से आप 25,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यदि आप स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, वेस्कॉर, PMW, एक्शन ग्रुप, LNM टेक्नोलॉजी, ब्रोमीज, PSIPL, ECL सिटी फोर्स या फिर कोई अदर कंपनी में का पार्टनर है तो आप किस तरह से योनो फाइनेंस की मदद से आप लोन ले सकते हैं। इसमें आपको 25,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। बात करें ब्याज की तो इसमें सिर्फ आपको 1% ब्याज देना होता है और आप जैसे इसका EMI भुगतान कर देते हैं समय पर, तो आपको इसके बाद भी इससे भी ज्यादा आपको लिमिट मिलता है। यहाँ पर दो कंडीशंस लागू होते हैं। इन सारे जो भी मैंने यहाँ पर कंपनी बताया, इन सारे कंपनी का यदि आप पार्टनर है या फिर किसी दूसरे कंपनी का भी पार्टनर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्रेडिट लिमिट अच्छा होना चाहिए और आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी यहाँ से आपकी लोन का अप्रूवल मिलता है। लोन अप्रूव हो जाने के बाद EMI डिटेल वगैरह सब कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि सिर्फ 1% में किस तरह से आप योनो फाइनेंस ऐप की मदद से लोन ले सकते। इसमें मैं आप लोग को जोमेटो और स्विगी दोनों को ID से अप्लाई करके यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इसके बाद किस तरह से आपको अप्रूवल मिलेगी यानी कि किस तरह से आपका यहाँ पर लोन पास होगा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारे कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाएंगे एंड यहाँ पर आप सर्च करेंगे योनो फाइनेंस। देख सकते हैं योनो फाइनेंस, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डायरेक्ट क्लिक करके आप इसे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, स्विगी हो गया यहाँ पर या फिर जोमेटो हो गया या फिर कोई अदर कंपनी में भी काम करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में ID कार्ड होगा तो आपको ID नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले आपको योनो फाइनेंस ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंटेड योनो फाइनेंस। इसके बाद आपको यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर तीर वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलकम, यहाँ पर 60,000 लोग यहाँ पर ट्रस्ट कर चुके हैं योनो फाइनेंस फॉर देयर क्रेडिट नीड्स। आप देख सकते हैं 25,000 अप टू यहाँ पर फर्स्ट बार में आपको 25,000 रुपए तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई भी अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे एंड यहाँ से ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इन दोनों के एक्सेप्ट करके इस तीर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया उस मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करके आपको तीर वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा, जैसा कि आप फ़ोन, लोकेशन, कैमरा और यहाँ पर भी देख सकते हैं डिस्क्लोजर, तो यहाँ से आप एग्री करेंगे। इसके बाद यहाँ से टर्न ऑन करेंगे, इसके बाद फर्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं स्विगी हो गया, क्वेस कॉर्प हो गया, PMW हो गया, जोमेटो हो गया, एक्शन ग्रुप हो गया, LNM टेक्नोलॉजी और ब्रोमीज हो गया, PSIPL हो गया, BCL सिटी फोर्स हो गया, उसके बाद अदर भी, यदि इसके अलावा भी अदर कोई कंपनी है तो आप यहां पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर चूज कर लेना है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहां पर स्विगी से बता रहा हूं, तो इसके लिए आप स्विगी सेलेक्ट करेंगे, जोमेटो के लिए जोमेटो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ID नंबर फिलअप करना होगा। यदि आप स्विगी या फिर जोमेटो में काम करते हैं तो इसका ID नंबर किस तरह से आपको देखना है पहले मैं आप लोग को ये बता दूं। इसके लिए आप यदि जोमेटो में काम करते हैं तो जोमेटो को यहाँ पर ओपन करेंगे। जोमेटो ऐप ओपन करने के बाद में मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ID नंबर आपको दिया हुआ है FE करके। इसी तरह से यदि आप स्विगी में काम करते हैं तो स्विगी ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 लाइन पे, तो यहाँ पर भी आपको ID देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसी ID को यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना ID नंबर फिलअप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे, इसके बाद पैन कार्ड पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे फिलअप करना है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पिन नंबर फिलअप करते ही आपका नेम यहाँ से ऑटोमेटिक ये फाइंड कर लेगा। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आई कन्फर्म पिन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। यदि आप मैं सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जेंडर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप मेल फीमेल भी हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।
यहाँ पर देख सकते हैं गेट इंस्टेंट कैश अप टू 25,000 रुपीज। इसके बाद यहाँ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहे तो टर्म्स पे क्लिक करके इसे रीड कर सकते हैं, फिर इन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल फिलअप करना होगा, स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप आ चुका है, इसके बाद भी 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको पिन कोड, यहाँ पर सिटी, स्टेट और यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, यानी कि यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। इसके बाद यहाँ से कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेकेंड नंबर पे आपको आ जाता है लोन डिटेल, यानी कि आप कितना लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम आप 25,000 तक अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम यहाँ पर 3,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बीच जितना भी आपको लोन की जरूरत है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको पर्पज सिलेक्ट करना होगा, आप किस पर्पज से यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं। जैसे देख सकते हैं ट्रेवल, पे एग्जिस्टिंग लोन, उसके बाद बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री, परचेजिंग समथिंग और मेडिकल नीड्स टू परचेज ए मोबाइल फोन या फिर अदर। यहाँ पर कोई भी आप पर्पज सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना होगा, यानी कि कितने दिनों के लिए ये लोन है। तो यहाँ पर 6 मंथ ऑटोमेटिक आ रहा है, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ईएमआई का शेड्यूल सिलेक्ट करना होगा, यानी कि ईएमआई आपको वीकली पेमेंट करना होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एक सेल्फी करना है। इसके बाद आपको फ्रंट पैन कार्ड अपलोड करना है, इसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड का फ्रंट साइज और आधार कार्ड का बैक साइड अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करने के लिए सिंपल क्लिक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल्फी लेने का गुड तरीका देख सकते हैं, आपके रूम में या फिर आपके पास में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, गुड लाइटिंग ऑन योर फेस। के बाद आप मोबाइल को सामने करेंगे और यहाँ से एक सेल्फी ले लेंगे, जिसके लिए आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से परमिशंस को अलाउ करेंगे, इसके बाद ये प्रोसेसिंग होगा। यहाँ से आपका सेल्फी अपलोड हो चुका है। इसी तरह से अपने पैन कार्ड को यहाँ से अपलोड करना है। यदि आप गैलरी में रखे हैं तो यहाँ से उसको क्रॉप करके चूज कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट फोटो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ से पैन कार्ड वगैरह अपलोड करके सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपके रजिस्टर्ड जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद इस टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड यहाँ पर तीर वाले आइकन पे क्लिक करना है, यानी कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर सिविल स्कोर चेक करेगा, यानी कि यहाँ पर सिविल स्कोर बिल्कुल ही 0 शो कर रहा है। फिर भी यहाँ पे अप्लाई करके ट्राई करते हैं, यदि अप्रूवल मिल जाए तो सही बात है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लोन एप्लीकेशन इज कम्प्लीट, यानी कि यहाँ से ये लोन एप्लीकेशन कम्प्लीट हो चुका है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिला है और यहाँ पर अमाउंट भी मिला है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप प्लीज चेक स्टेटस इन 1 to 2 days, यानी कि 1 से 2 दिनों के अंदर आप अपना यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ मोर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे, या आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए जिसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कंपनी को मेल कर सकते हैं और यहाँ पर कंपनी के वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं bionofinance.com पे। फिर से आप एक बार बैक आएंगे, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका लोन अभी प्रोसेस में है, लोन डिटेल है, यहाँ पर ड्यूरेशन आ जाएगा, अप्लाई डेट आ जाएगा, यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस जो लगेगा वो देखने के लिए मिल जाएगा, मंथली इंटरेस्ट रेट 1% आपको लगेगा। इसके बाद रीपेमेंट डिटेल, यानी कि लोन का टोटल डिटेल, यहीं से भी यदि आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो यहीं से आपका लोन डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि कितना आपका ड्यू है, ड्यू डेट कब है और पास्ट ड्यू डेट यानी कि पहले का ड्यू डेट और यहाँ पर लेट फी कितना लगेगा। तो आप यहाँ पर यदि आपका लोन यहाँ से अप्रूव कर दिया जाता है तो आज आप समय पर ईएमआई फिलअप करेंगे, ताकि आपका फ्यूचर में भी लोन लेना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका लिमिट मिल सके और आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो। इसके बाद आप बैक आएंगे पे क्लिक करेंगे, नाम जहाँ पर शो हो रहा है इस प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसा हिंदी भी कर सकते हैं। लोन अप्रूवल हो जाने के बाद यहीं से आपको बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम और नेम ऑन बैंक यानी कि बैंक में आपका क्या नाम है, आईएफएससी कोड डालकर सबमिट करेंगे। लैंग्वेज चेंज करने के लिए हिंदी भी यहां से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप होम पेज पे आएंगे, तब भी यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी ये लोन प्रोग्रेस में है। नीचे आप देख सकते हैं कि आपकी अप्रूवल राशि आपकी अप्लाइड राशि से कम भी हो सकती है, ये आपको सिविल स्कोर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर निर्भर करता है, यानी कि यदि आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ही 0 है तो इतना लोन नहीं मिल पाएगा, यदि आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो यहाँ पर 25,000 रुपये तक लोन
मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका लोन आवेदन अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है। हम यह बताते हुए खेद है कि आपको लोन आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। आप 30 दिन के अंदर फिर से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 30 डेज के अंदर फिर से ये लोन अप्लाई हो जाता है। नीचे देख सकते हैं कि कमेंट में दिया गया है, हमें खेद है आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री कम है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सिविल स्कोर है बिल्कुल ही 0 था, इसकी वजह से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। यदि आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो यहाँ से भी लोन आपको अप्रूवल कर दिया जाता है। यहाँ पर एक और रीजन से भी आपका लोन रिजेक्ट किया जा सकता है, जैसा आप देख सकते हैं कि हमें खेद है आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि आपकी इनकम कम है। यानी कि मैंने यहाँ पर जितने भी आपको पार्टनर बताया, डिलीवरी हो गया, स्विगी डिलीवरी हो गया, जोमेटो डिलीवरी हो गया, या फिर जितने भी यहाँ मैंने पार्टनर बताया ये सारे कंपनी का, यदि इसमें आपका अर्निंग भी कम है, आप ठीक ठाक काम नहीं भी करते हैं, तब भी आपको यहाँ पर लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको दो कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए और आप जिस भी पार्टनर है, जैसे जोमेटो हो गया या फिर स्विगी हो गया, तो इसमें आपको इनकम अच्छा होना चाहिए, तभी यहाँ से अप्रूवल मिल सकती है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई भी लोन से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।